26 मई पिछले 24 घंटा में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का साथ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर, इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में एक तो जगह करके बारिश हुआ है। थंडरस्टॉर्म का साथ गास्टी सरफेस विंड, हेलस्टॉर्म का भी रिपोर्ट है। ढेंकनाल, कटक, खुर्दा, पुरी ये सब डिस्ट्रिक्ट में इंटेंसिटी थंडरस्टॉर्म का ज़्यादा था। हाइस्ट बारिश था कटक डिस्ट्रिक्ट में का मंडली में 82.0 मिलीमीटर, नाराज में 62.8 मिलीमीटर, कोरापुर डिस्ट्रिक्ट का कोतपाद 62.0 मिलीमीटर, ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट का ढेंकनाल में 47.0 मिलीमीटर। मैक्सिमम टेम्परेचर स्लाइट फॉल कुछ कुछ स्थानों पर किया है। हाइस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर था तालचेर 42.8 डिग्री सेल्सियस, संबलपुर 42.7 डिग्री सेल्सियस, नोआपारा 42.4 डिग्री सेल्सियस, सुंदरगढ़ झारसुगुदा 42.2 डिग्री सेल्सियस। हमारा भुवनेश्वर सिटी में भी गास्टी सरफेस विंड का साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का साथ गास्टी सरफेस विंड और लाइटनिंग था। रेनफॉल हुआ था 14.5 मिलीमीटर। मैक्सिमम टेम्परेचर कल हमारा भुवनेश्वर में था 40.2 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारा जो फोरकास्ट है नेक्स्ट 24 आवर्स में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुदा, केन्झर, मयूरभंज, अंगुल, ढेंकनाल, बौद्ध, कंधमाल, कालाहांडी ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कुछ कुछ स्थानों पर, बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश होने का पॉसिबिलिटी है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गास्टी सरफेस विंड मीन्स तेज हवा 40-50 होने का चांसेस है। केन्झर, मयूरभंज, अंगुल, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, ढेंकनाल, कटक, केंद्रपाड़ा, कालाहांडी, कंधमाल, गंजाम, बाकी कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, देवगढ़, बौद्ध, रायगढ़, मलकानगिरी, कोरापुट में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का पॉसिबिलिटी है। हेलस्टॉर्म व कुआपत्थर भी गिर सकता है केन्झर, मयूरभंज, कालाहांडी, कंधमाल, बौद्ध, अंगुल, ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट में। फिर कल भी 27 पे भी हमारा कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग इंटीरियर में कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ गास्टी सरफेस विंड के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ एक दो जगह का बारिश का पॉसिबिलिटी है। 28, 29, 30 में भी हमारा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश रहेगा और स्लाइट इंटेंसिटी कम होने का चांसेस है। और मैक्सिमम टेम्परेचर और डे टेम्परेचर अभी अगला 3 दिन में स्लाइट फॉल कुछ कुछ स्थानों पर करने का चांसेस है और फिर उसका बाद फिर स्लाइट राइज होने का चांसेस है। कुल मिलाकर के जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। इंटरनेशनल का डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके 42 अराउंड मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है, बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अभी अगला 3 दिन में रहने का चांसेस नहीं है, नियरली स्वाभाविक के आसपास ही रहने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 38-39 का बीच में रहने का चांसेस है और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी